हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के दो टॉपिक्स हम इस लेक्चर में लेने वाले हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। दूसरा है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में हम पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले हम ये बताएं कि इसमें एक एक्टिविटी है, तो उस एक्टिविटी के थ्रू हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, देयर इज अ टेबल जिसमें कि फर्स्ट कॉलम में है टाइम इन द क्लॉक। तो टाइम अगर आप देख रहे हैं तो टाइम में जो डिफरेंस है वो है 30 मिनट्स का डिफरेंस। मीन्स जो स्टार्ट किया है टाइम वो है 30 मिनट्स, 5 से फिर 5:30, फिर 6 o'clock, 6:30, 7 o'clock, 7:30। देर आर थ्री फ्रेंड्स, अमर, अकबर एंड एंथनी, जिसमें आप अमर का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड देख रहे हो 30 मिनट में, वो 20 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो आप देख रहे हैं अमर वाले कॉलम में देखिए 20, 5:30 पे उसने 20 किलोमीटर कवर किया, 6 पे 40 किलोमीटर मीन्स नेक्स्ट 20 कवर किया, फिर से 6:30 पे उसने फिर से 20 प्लस किलोमीटर कवर किया मतलब 60 किया एंड सो ऑन। अगर आप अकबर वाले सेक्शन में देखेंगे तो अकबर 30 मिनट्स में, फर्स्ट 30 मिनट में मीन्स 5:30 पे 18 किलोमीटर कवर किया, लेकिन 6 o'clock आने पे फिर जो अकबर है उसने आपका बस 6 किलोमीटर कवर किया, नेक्स्ट 6 o'clock पे अकबर ने 18 किलोमीटर कवर किया, लेकिन जब 6:30 मीन्स नेक्स्ट 30 मिनट्स में अकबर ने 6 किलोमीटर कवर किया मीन्स 36 प्लस 6 हुआ आपका 42, ठीक है। फिर 42 से 70 आप देखेंगे मीन्स 6:30 से जब चलना स्टार्ट किया तो 7 o'clock पे अकबर ने जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज 28 किलोमीटर। मतलब अकबर वाले सेक्शन में आप वेरिएशन देख रहे हो। एंथनी वाला सेक्शन देखेंगे स्टूडेंट, तो एंथनी में देखिए आप 14 का गैप है, मींस कि जो एंथनी का डिस्टेंस कवर्ड है वो भी यूनिफॉर्म है। मींस हर ईच 30 मिनट्स में एंथनी एक फिक्स्ड डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो इससे आपको पता चला कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो अगर हम नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन में आते हैं तो इट इज when a person cover equal distance in equal interval of time means कि uniform speed है, और अगर ऐसे नहीं करता है तो non-uniform speed है। तो चलिए देखते हैं हम uniform speed। तो uniform speed को हम कैसे कर सकते हैं define? It means equal distance covered in equal interval of time, ठीक है। तो इसमें इस वाली एक्टिविटी में इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो चलिए फिर से स्क्रीन पे आते हैं और हम क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। तो क्वेश्चन है इसमें कि what is the time interval between notings of distance made by Amar, Akbar and Anthony? तो आप इसमें टाइम इंटरवल सबके लिए कितना है, 30 मिनट्स का गैप है टाइम इंटरवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे who has covered equal distance in equal time interval? तो यहाँ पे किसने कवर किया है, अमर और एंथनी ने कवर किया है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। थर्ड है आर ऑल द डिस्टेंसेस कवर्ड बाई अकबर इन द फिक्स टाइम इंटरवल इज सेम, क्या अकबर सेम कवर कर रहा है डिस्टेंस? नो, ही इज नॉट कवरिंग सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। फोर्थ जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, कंसिडरिंग द डिस्टेंसेज कवर्ड बाई अमर, अकबर, एंथनी इन फिक्स टाइम इंटरवल वट कैन यू से अबाउट देयर स्पीड्स? तो उनकी स्पीड के बारे में भी हम बता सकते हैं। आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम एवरेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई एवरेज टाइम ले सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप रफली देखें तो जो अमर है वो 20 किलोमीटर 30 मिनट्स में कवर कर रहा है, एंथनी 14 किलोमीटर 30 मिनट्स में कवर कर रहा है, ठीक है। मीन्स 30 मिनट्स में ज़्यादा कवर कर रहा है अकबर, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्पीड भी इसका कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब स्टूडेंट हम देखते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू वेलोसिटी. ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, मींस विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन को समझने से पहले हम थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझेंगे कि एक्सेलरेशन जब आप डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी. इसके बेसिस पे ही हमको पता चलता है. तो पहले एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, फिर आपको क्लियर होगा ये. तो सपोज देयर इज अ कार, ये चल रही है, यहाँ पे डिफरेंट वेलोसिटी थी, डिफरेंट स्पीड. अब ये वाला एक पॉइंट है जहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर. तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात कहें कि और ये जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन सपोज 1 आवर है, तो हम एक्सेलरेशन के लिए कहें तो इस केस में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी. वी वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यू है इनिशियल वेलोसिटी. तो यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, रेस्ट पोजिशन पे है. रेस्ट पोजिशन पे मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है. ठीक है, तो यहाँ पे माइनस यू की जगह 0 रखेंगे और फी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 60 है डिवाइडेड बाई 1. तो जो इसका एक्सेलरेशन आया स्टूडेंट वो प्लस में आया, प्लस 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ऐसा यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट है ये. तो एक केस तो ये है. चलिए सेकेंड केस लेते हैं. अगर इफ दिस कार इज इन द मोशन और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां से हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और अभी ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया और ये कार चलते चलते स्लोली ब्रेक अप्लाई किया और यहां पे स्टॉप हो गई. ठीक है, अब इस केस में हम कहेंगे कि इस केस में दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर और ये फाइनल वेलोसिटी है, स्टॉप हो गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0. तो इस केस में अगर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो A इज इक्वल टू V माइनस यू डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू, V है इसमें 0 माइनस U है 50 डिवाइडेड बाई 1 आवर के ड्यूरेशन में हम ले रहे हैं. तो इस केस में आंसर आएगा माइनस 50 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. यहाँ पे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में आया, तो आप देख रहे हैं ना नेगेटिव है. तो आपने क्या नोटिस किया, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजीशन और वो स्टार्ट होता हो रहा है, मतलब वो एक्सेलरेट हो रही है, बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा. अगर बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, ऑलरेडी एक्सेलरेटेड है और आप उसको स्टॉप कर रहे हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डीसेलरेशन भी कहते हैं. तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा. और अगर हम कहें कि कोई भी चेंज नहीं है वेलोसिटी में, फॉर एग्जांपल अगर हम थर्ड केस लेते हैं और थर्ड केस में हम कहें कि ये कार ट्रैवल कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, ये ट्रैवल किया और अभी जब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं देन आल्सो इट्स इन दी 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड. तो इस केस में स्टूडेंट क्या है, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी सेम है, तो इस केस में एक्सेलरेशन, बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा थर्ड केस में. तो एक बार हमको एक्सेलरेशन 0 मिला है, एक बार हमको नेगेटिव मिला है, एक बार हमको पॉजिटिव मिला है. तो क्या क्या केसेज हैं इसमें, ये सारे केसेज हैं इसमें. ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपको क्लियर हुआ. इसके बाद दो न्यू टर्म्स आते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो ये भी सेम है स्टूडेंट्स, जैसे हमने वेलोसिटीज पढ़ी थी. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस जब बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है, मींस अगर बॉडी आपके 50 तो ज्यादा हो जाएगा, चलिए 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से इंक्रीज हो रही है,
कोई स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब अभी 40 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर और 20 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हुआ, मतलब 60 मीटर पर सेकेंड हो गया, एंड सो ऑन. तो ये वाला जो सेक्शन है, ये हमने अभी जो कमिंग वीडियो होगा ग्राफ्स वाला, वो आप देखिए, तो उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है. सेम वे नॉन यूनिफॉर्म होगा अगर बॉडी अप एंड डाउन वेलोसिटी, मींस कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उस केस में एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा. ठीक है, तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कमिंग वीडियो में हम ग्राफ्स के थ्रू भी समझाएंगे. और वैसे ये सिंपल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर ये बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है नीचे, और ये फॉल होता है टुवर्ड्स ग्रेविटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, मतलब कि जो इंक्रीज इन स्पीड है वो यूनिफॉर्म है. ठीक है, अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 मीटर पर सेकंड एंड बॉटम पे आता है बहुत तेज हो जाएगा. सेम वे जैसे आपके पास एक्टिविटी है कि एक बॉल को अगर आप फॉल करते हैं किसी पाइप से, यहां से बॉल फॉल हो रही है, तो यहां पे इसकी स्पीड मॉडरेट होती है, मिडिल में आते आते बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब बॉटम में आती है स्ट्राइक करके स्टॉप हो जाती है, जीरो यहां पे वेलोसिटी होती है. तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी ऐसा ही है. तो आई होप स्टूडेंट ये आपको टर्म्स क्लियर हुए होंगे. अभी जो नेक्स्ट कमिंग वीडियो है ग्राफ्स वाला, वो आप जरूर देखिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आपको कोई सजेशन देने हैं, कोई और टॉपिक चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियोज़ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा. थैंक यू सो मच.